Good evening, dear media friends. We have called you to just brief you about the recent statement and the queries that has been put up by AAPSU to the state government and the central government after the passing of the Citizenship Amendment Bill regarding the status of the Chakmas and Hajong in Arunachal Pradesh. In this regard, AAPSU delegation led by President has just now met the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh and has 1 hour discussion regarding the exact status of the Chakma-Hajong refugees illegally settled in Arunachal Pradesh. So, hum log ka jo abhi citizenship amendment bill ka jo act passed hone ka baat Arunachal Pradesh mein ek asanka jo ek confusion sara jo Arunachal ka janta mein reh raha hai wo hai the status of the Chakma-Hajong in our state. To usko lete hue hum logon ne 2 din pehle through the press conference hum log गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ने पूछा था कि अरुणाचल स्टेट ऑफ अरुणाचल हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड एज पर द नोटिफिकेशन गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उसका चलते हुए हम लोग एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एक जो कन्फ्यूजन जो इसमें उभर के आया वो है द स्टेटस ऑफ चकमाज एंड हजोंग. तो इसको लेकर हम लोग ने अभी माननीय मुख्यमंत्री को मिला और उसमें हम लोग ने ये क्वेश्चन उसको हम लोग ने रेज किया, हम लोग ने इसको पूछा कि अभी क्योंकि जब एक्ट आ गया, जब एक्ट बन के आ गया और इतना नोटिस में आप सब देख रहे हैं, इतना इसको लेके हुए इतना आक्रोश लोगों में है एंड यू कैन लिटरली सी द वॉल ऑफ नोटिस प्रोटेस्टिंग. आसाम तो आसाम का क्या कहना, आसाम तो जल रहा है. तो इसका चलते हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री को पूछा और मुख्यमंत्री का ये जवाब रहा है हम लोग का इन प्रेजेंस ऑफ अस he has called upon the chief secretary and the advocate general to ek do din mein isko lekar unko public ka samne mein isko lekar jo hum log ka AAPSU ka jo query hai aur AAPSU ka jo query hai wo sara Arunachal Pradesh ka jo common masses ka query hai usko lekar wo ek do din mein jawab dene ke liye unhone apna jo chief secretary of Arunachal Pradesh and then advocate general ko unhone salam masara manga hai. So we are expecting within 1 or 2 days or maybe by tomorrow even from the CMO the clarification may come tonight. So we are expecting that the state government will give a clear stand on the status of Chakma-Hajong in the state so that the confusion prevailing in the minds of the common masses of the state get cleared. ye ek pehlu hai aur uske baad kyunki abhi citizenship amendment bill aa chuka hai wo ek ban gaya hai aur इससे एक इंटरलेटेड जो एक इशू हम लोग ने बहुत एक साल पहले भी 2 दफ़ा स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने रेज किया था वो है द ऑफस्प्रिंग जो इशू है. जो ऑफस्प्रिंग इशू इन शॉर्ट एंड प्रिसाइसली अगर बोला जाएगा तो इसमें हमारा जो अरुणाचली जो गर्ल्स जो हमारा बहन है दे आर मैरिंग आउटसाइड जो नॉन APST उसमें शादी करके जो अपना बच्चा को अरुणाचल प्रदेश APST जो सरनेम दे रहा है उसको लेकर भी हम लोगों ने फिर उसको रिट्रेट किया है. वी हैव रिट्रेटेड अवर डिमांड टू ब्रिंग ए लेजिस्लेशन द स्टेट. सो एक एक्ट बनना चाहिए जो ये ऑफस्प्रिंग का जो मेनेंस है जो स्टेट में इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने उसको ये फिर से हम लोग ने रिट्रेट किया है. उसको हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ये सजेस्ट किया है और ये डिमांड दिया है कि वो एक जल्दी से जल्द एक एम्पावरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसके ऊपर भी सोच विचार करे और आने वाला जो असेंबली है उसमें एक इसको डिस्कस करके एक पुल प्रूफ एक ऐसा मेकनिज़म एक ऐसा एक लाना है जिससे ये जो अभी अरुणाचल प्रदेश में जो प्रिवेलिंग है जो नॉन APST का जो टाइटल लेके यहाँ जो हम लोग का बेनिफिट जो इसको लेकर वो है. तो इसका जवाब में द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज़ टोल्ड अस कि अभी वो कम्युनिटी बेस्ड जितना भी CBOs है अरुणाचल प्रदेश में उनसे कंसल्टेशन कर लेगा, एक सलो मशवरा उन लोगों से भी करके उसका बाद जो बजट सेशन है उसमें इसको जरूर लाएगा ऐसा हम लोग को आश्वस्त किया है. तो ऑन दिस 2 टॉपिक्स वी हैव मेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. सो वी आर अवेटिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल क्लियर अप द कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ चकमा एंड हजोंग इन द स्टेट एंड ऑल्सो विल ब्रिंग द लेजिस्लेशन अगेंस्ट एन ऑफस्प्रिंग इशू इन द कमिंग बजट सेशन दैट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च. दिसंबर के फर्स्ट वीक के करीबन AAPSU की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिलने समय. तो आप लोग की तरफ से ये चकमा हजोंग को लेकर आप लोग ने प्लेस नहीं किया कुछ बात?
तो उसमें देखिए जो डेलीगेशन था उसमें हमारा हमारा अध्यक्ष महोदय उसको लीड करके दैट वॉज एन ऑल पार्टी. उसमें बहुत सा एन जी ओज भी था अरुणाचल का और ऑल पोलिटिकल पार्टीज भी उसमें था. तो आपसू भी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट उसमें होता. उसमें भी क्लियर कट आपसू का स्टैंड रहा नो मीन्स नो. जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उसको वन एंटिटी में एंटायर नोट इससे हटाना है. क्योंकि देखिए तो हम लोग थोड़ा इसका पीछे हटकर हम आपको बता रहे हैं. बिकॉज दिस फाइट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दिस वॉज नॉट एन सिंगल इशू ऑफ आपसू. वी आर फाइटिंग द इशू अंडर द एम्बिट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बैनर में इस इशू को इसको हम लोग ने स्टैंड लिया था. और हम लोग ने कभी ये नहीं बोला कि अरुणाचल को एग्जाम करना है नहीं करना है. अवर डिमांड वॉज क्लियर दैट दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल शुड नॉट कम इन एनी दिस वन. बिकॉज मैंने अमित शाह जी को ये बोला कि उसमें भी चकमा हाजोंग का जो बात को लेकर उसमें भी प्रश्न पूछा है. उसका उत्तर ये था कि माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर उसने ये कहा कि जो अरुणाचल का चकमा हाजोंग जो अगर इसमें क्वालिफाइड है क्वालिफाइड होता है तो दे हैव टू टेक ILP. लेकिन अभी क्योंकि वो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट नहीं आया है वो एक बंद कमरा का एक डिस्कशन था. तो इसलिए वी आर डिमांडिंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन द इशू ऑन द स्टेटस ऑफ द चकमा हाजोंग. मसले में एक ही बात है दुविधा का बात यही है जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन या आपसू ये सब इश्यूज़ को ऊपर में नहीं बोलता है तो द गवर्नमेंट रिमेंस साइलेंट. तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है. बिकॉज आपसू हैज़ बीन सोटिंग ऑन द इश्यूज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल माइग्रेंट्स इन द स्टेट. जब जब आपसू बोलता है तो तब तब गवर्नमेंट वो कर ये करता है. आप एक एग्जाम्पल आप देखिए द ILP इश्यूज़ को लेकर भी जब भी आसाम में कुछ प्रॉब्लम होगा जब आपसू बोलेगा या कोई स्टूडेंट यूनियन बोलेगा या कोई CBO बोलेगा तब दे बिकम एक्टिव. वो लोग वो करता है ये चेक करना ये सब करना शुरू करता है. तो द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी लाइक दैट. वो हमेशा एक प्रोएक्टिव रहना चाहिए हर इश्यूज़ में. और खासकर जो हमारा स्टेट का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ है इसमें आप जिस प्रकार से सवाल पूछे स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी ऑलवेज अवेक टू द इश्यूज ऑफ द स्टेट. और सर जो कि जो इसमें देखिए हम लोग जब देख रहा था माननीय जो इस पार्लियामेंट का लोकसभा का जो MP तपिर गांव साहब उसने ही वॉज वेरी वोकल इन द बिगिनिंग. उसका हम लोग देख रहा था कैब इशू को लेकर वो चर्चा पे भी वो किया था इसका ऊपर में इस विषय में बात कर रहा था. तो वी आर एक्सपेक्टिंग तपिर गांव साहब भी इसका ऊपर में एक वो करेगा. और दुख का बात है जब आया तो उसके ऊपर में मम रह गया. और अभी हम लोग वी आर फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूनियन अफेयर्स. उसका जो एक बड़ा स्टेटमेंट आया है चकमाज एंड हाजोंग हैव टू टेक ILP. तो अभी हम लोग उसके ऊपर में कोई ऐसे एक कॉन्क्रीट टिप्पणी नहीं करेगा बट वी आर फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो ये है ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एंड वी आर फॉलोइंग द स्टेटमेंट. और हम लोग अभी जब स्टेट गवर्नमेंट का जब ये जवाब आएगा तो उसके बाद हम लोग जो आगे का जो कार्रवाई है उसके ऊपर हम लोग वो करेंगे. जब स्टेट गवर्नमेंट का जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट से पहले में भी कभी नहीं आया. तो अभी एक सिचुएशन एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है केप का अभी खा का चलते हुए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जिससे अभी हम लोग को लग रहा है एक डिसिसिव वी आर इनटू एन डिसिसिव पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी कैन फाइट ऑन द इशू ऑफ द इलीगल सेटलर्स हियर इन द स्टेट. तो इसलिए हम लोग को आगे क्या बोला पीछे क्या बोलने जा रहा है उसको हम लोग का वो मायने में नहीं है. लेकिन वी आर फाइंडिंग दैट आफ्टर द कमिंग आफ्टर द पासिंग ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विच हैज नाउ बिकम एन एक्ट इन द पार्लियामेंट वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि नोडल एजेंसी वो है इसको लेकर ये सब विषय तो हम लोग इसका हम लोग वो करें. यू सी वी हैव क्लियरली इन क्लियर टर्म्स हैज टोल्ड द चीफ मिनिस्टर अबाउट दैट देर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट यूनिटी. बिकॉज इवन इफ अरुणाचल प्रदेश इज एग्जेम्प्टेड आई हैव जस्ट फ्यू डेज बैक वाज डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू दैट व्हेन देयर वाज अ सेइंग इन यूरोप दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल ऑफ यूरोप गेट कप्स. नाउ द सेम सिचुएशन इज हियर इन द नॉर्थ ईस्ट. Because Assam is the epicenter, is the main gateway of the North East. When Assam is in trouble, the whole of the North East is in trouble. वो एक वो है. तो इसको मध्य राजर हम लोग ने ये चर्चा की. हम लोग ने CM को बताया कि there is an something called North East unity. Even if we are exempted, when part of North East is crying, we are always there. We cannot retreat back. तो because he is the chief minister of Arunachal Pradesh, वो एक बहुत पूछा वाला आदमी है. तो समझ गया होगा ये हम लोग जो हम लोग ने इशारों में हम लोग ने बोला है. ऐसा कोई आश्वासन तो उसका तरफ से वो नहीं है. बट वट वी हैव टोल्ड देम दैट नॉर्थ ईस्ट में भी इवन ऑल द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट शुड स्टैंड यूनाइटेड. इसमें देखिए अजुनस वी गोट द न्यूज दैट डॉक्टर समुजल भट्टाचार्य
the advisor of Northeast Student Organization and the ASU General Secretary Lurin Jyoti Gogoi has been arrested. So hum logo ne NESO ka jo chairman hai Samil Jarwa, who is in Shillong, hum logo ne usse call up kiya. To usse hum logo ne background poochhtach kiya and our course of action. So chairman sahab ne bola ki it was just an preventive detention, usko chhod diya. To isme itna wo karne ka wo nahi hai. But from APSU side and from the people of Arunachal Pradesh, we condemn such kind of repressive measures being taken by the government of India. Jo ek satyagraha hai, jo ek Gandhian way of protest, jo ek peaceful jo satyagraha hai, isko suppress karne ka, jo common masses ka awaaz ko jo ASU ya jo NESO lead kar raha hai, usko muzzle karne ka jis prakar se jo koshish kar raha hai, it's a nindaniya hai. And regarding the jo Jamia and then jo rest of the country mein jis prakar se protest chal raha hai, because dekho, same, we are protesting on the Cape, but thoda narrative isme, we have different kind of narratives. In the Northeast, it is about our survival. It's about our linguistic rights. It's about our cultural. Hum logo ek apparent threat lagta hai ki agar is prakar ka jo abhi law ban gaya hai, act ban gaya hai, iska aane se hum logo ka survival muskil hai. Lekin hum logo jo central, jo mainland jo protest chal raha, usme hum logo dekhta hai, it's mostly divided on religion ground. To dekho, sabka apna apna wo hai, daire hai, apna apna hisab. अपना अपना प्रोटेस्ट करने का राइट्स है तो उसमें हम लोग का कोई टिप्पणी नहीं है बट आवर फाइट इन द नॉर्थ इज द नैरेटिव द स्टोरी इन द नॉर्थ इज डिफरेंट इट्स अबाउट आवर सर्वाइवल में देखिए बहुत सारा फैक्टर है इसमें जो चकमा हाजोंग को जब से बचाया है इसके ऊपर में देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री लाइक द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट वो हमेशा चकमा एंड हाजोंग का फेवर में काम कर रहे हैं और उसमें जो रियलिटी है जो सच्चाई है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने में बहुत दिक्कतें आता है उसको हम लोग भी मालूम है लेकिन बट द नैरेटिव इसलिए हम बोल रहे हैं वी आर इन अ डिसिसिव पीरियड ऑफ टाइम नाउ आफ्टर द पासिंग ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विच हैज नाउ बिकम एन एक्ट हम लोग ऐसा एक थ्रेशोल्ड में अभी आके रुका हुआ है जिससे अगर हम लोग कदम सही लेगा तो जो इतना लॉसेज हुआ है अभी तक उसको हम लोग भरपाई कर सकेगा तो इसलिए वी आर पॉजिटिव बट वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल कन्फर्मेशन the official statement, the official stand from the state government. Agar jayega, you have to go back to the history. Jo pehle ka jo Arunachal mein jo government tha, jo bahut 80s mein and early 90s, they were always averse to the movement of APSU and student, jo bhi movement karta tha, usko, like, hamesa, un log ne usko genuinity mein nahi dekha, hamesa, they have taken it as an angle of politics. Lekin abhi ka jo 2000 se, jab se APSU and government ka, या जो भी इंस्टीट्यूट का जब से थोड़ा संपर्क अच्छा बना तो अभी बिकॉज हुए हम लोग का जो डिफरेंसेस है हम लोग का गोल एक ही है अभी हम लोग ने भी गवर्नमेंट को कन्विंस करने में APSU का भी ये हम लोग का अभी समय का बात नहीं है हम लोग से जो प्रीडिसर्स है उन लोग का भी काफ़ी समय लगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये कन्विंस करने के लिए कि चकमा हाजोंग जो इशू है इट्स फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो जब अरुणाचल गवर्नमेंट अभी जब ये इशू को समझा तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैंने आगे बोला देर आर सो मेनी और इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री जो आरा बना हुआ है इसको लेकर देखिए हम लोग यू कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट द फ्यूचर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ में बहुत से लोग बहुत फ्यूचर का बात कर रहे हैं लाइक अभी जब एग्जाम टेट का बात करेगा तो एग्जाम टेट मीन्स एग्जाम टेट वी आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ केप वो तो एक पहलू है लेकिन अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी एग्जाम टेट करने से भी ये जब नॉर्थ ईस्ट डिवाइड हो जाएगा तो वापस आके इसको जैसे कश्मीर में जो 370 को हटाया उस प्रकार से अभी करेगा बोल के तो ये तो एक देखिए एक ये हाइपोथेटिकल जो एक फ्यूचर का बात है लेकिन जब लॉ बनता है व्हेन इट गेट्स द एसेंस कंसर्न ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंशियल एसेंस तो बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ एन कंट्री हम लोग को तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ से हम लोग को कुछ प्रोटेक्शन तो जरूर मिलेगा लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश को इसलिए हम लोग बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश एग्जेम्प्टेड होने से भी वी आर फाइटिंग this under the banner of NESO and we are interested we are demanding that the whole of NORTH EAST should be exempted abhi kyunki assam and tripura has been ye cap lagu hone ja rahe hai to isliye isko lekar abhi bhi jo hum log ka hai when our neighbors aur jaisa aage bola hai assam ka jo ek jo dar hai spill over jo factor hai wo to hamesha rahega jo wahan problem hai to jitna bhi law banne se bhi ek spill over factor hamesha rahega aur abhi jo hai government of arunachal pradesh ko jo act hai इसको ऊपर में अभी रह गया इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इन ट्रू लेटर एंड स्प्रिट में काम करना पड़ेगा अरुणाचल गवर्नमेंट को इसका मशीनरीज को तो अब 1873 जो ILP तो बहुत पहले से लेकिन इसको अभी भी बहुत सा जगह में वायलेट कर रहे हैं
तो इसलिए हम लोग अभी ऑफस्प्रिंग इशू को भी हम लोग कनेक्टेड करके हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन इन ऑफस्प्रिंग कम्स इन. अभी जितना यहाँ में नॉन एपीएसटी जो लोग यहाँ जमीन खरीद के बैठा है, जो यहाँ या कारोबार कर रहा है अपना नाम से, वो जो राइट्स है, जो इमोबल प्रॉपर्टीज जो खरीद के रखा है, उसमें एक लेजिस्लेशन आएगा तो उसमें तो आने वाला जो उसको एक हम लोग एक हम लोग के लिए ये हल्का हो जाएगा. दे दिया टू पॉइंट में वो है, एक है चकमा नाजंग. तो सिटीजनशिप पास होना नहीं होना हम लोग से मतलब नहीं है, लेकिन अरुणाचल का कैसे सेफ्टी रखना चाहिए आपसू का एक मुद्दा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्सफुली अभी कुछ ही दिन में सिटीजनशिप सबको अगर अप्लाई करने के लिए अभी बोलना शुरू हो जाएगा. तो इसमें नंबर वन पॉइंट है चकमा नाजंग अरुणाचल का रेजिडेंसी, इस सबसे कभी इसको एलो नहीं करना है अरुणाचल गवर्नमेंट. ये सेकेंड, वंस डिक्लेयर होने के बाद वो ILP लेके आना है. अगर यहाँ में कुछ बिजनेस ऑल ओवर इंडिया का या बिजनेस कर रहा है या आना है, ये है. तो चकमा लो आज CAB को अभी अपोज किया, अभी तो CAA हो गया. तो इसमें जो लोग कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल का रेसिडेंट या का प्रूफ लेने के लिए, ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल गलती से भी नहीं करना है. और मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये चीज़ से भूल से भी नहीं करना है कि अरुणाचल में इसका जो प्रूफ दिखाने के लिए. इसलिए कहीं भी रखना है, कहीं भी जाना है आपका ऊपर है. तो मैं चाहता हूँ चकमा कम्युनिटी को भी या ओजंग को भी, दोनों को मैं चाहता हूँ कि पीसफुल हो. हम जो चाहते हैं वही होगा, क्योंकि आप अरुणाचली नहीं है, आप बांग्लादेशी था, आज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, तो हम लोग से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग आज सबसे स्ट्रॉन्ग माने पॉइंट जो वही था, अरुणाचल का कोई भी चीज़ में वो दखल देना नहीं चाहिए ये इशू में. और ऑफ स्प्रिंग में भी हम लोग CM ने हम लोग एश्योर किया गया कि इस बार का जनवरी में नहीं कर पाएगा तो फरवरी का बजट सेशन में ला देगा. तो इतना एश्योरेंस हम लोग को मिला है, इससे हम लोग आज आपका सामने है. और अरुणाचल यहाँ का जितना स्टूडेंट है, जितना यहाँ में पॉलिटिकल ग्रुप है, जितना यहाँ में जो है इंटेलेक्चुअल है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. बोर्ड लोगों का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. अरुणाचल एग्जामिशन है, फ्यूचर में क्या होगा, सबका यहाँ में डर है फ्यूचर में क्या होगा, ये हम लोग भी सोच रहे हैं. इसलिए हम लोग आज भी लड़ रहे हैं CAB और नॉर्थ ईस्ट से स्कैब होना है, नॉर्थ ईस्ट को एग्जामिशन में लाना है. और असम में जो चल रहा है, आज स्टूडेंट हम लोग का एडवाइज़र को असम का GS को अरेस्ट किया गया है. तो वो जो मेरा ख्याल से उसको जो जेल तक नहीं ले गया, उसमें ही छोड़ दिया, रास्ता में ही छोड़ दिया. इसके बाद असम में अभी आर्मी ऑपरेशन कर रहा है. देखिए यहाँ में हर कोई कम्युनिस्ट कंट्री में अभी अपना लोगों को ऐसे नहीं करता है. आज जो कर रहा है बाहर कंट्री के लिए, आज अपना ही देश लोग को या आर्मी लगाया है, या में मारपीट कर रहा है, या में गोली शूट करता है, उसको आपसू निंदा करता है. तो इस तरीका से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपसू की तरफ से जो है रिक्वेस्ट है, आप इस तरीका से मत कीजिए. क्योंकि यहाँ में जो है आप बांग्लादेशी को रखने के लिए, पाकिस्तान को रखने के लिए, अफगानिस्तान को रखने के लिए, अपना ही इंडियन को जो यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ में मर्डर किया जा रहा है, अपना ही राइट बोलने वाला कोई माने ये जो गोली शूट किया जा रहा है. इसलिए हम लोग से हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस से मतलब है हम लोग को, ये है हम लोग का. यहाँ में दिल्ली में हर एक चैनल में आप देखो हिंदू मुस्लिम से हम लोग कोई मतलब नहीं है. हम लोग यहाँ में इंटर नॉर्थ नेशो का स्टैंड है, नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस को हम लोग स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना राइट को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये है. हम देश का एक हिस्सा है तो अपना राइट को बात कर. आज ये कैप इशू जो अभी वॉल इंटर वॉल में अभी चल रहा है इंडिया में तो है ही है. तो आपका माने रिलीजन बेसिस हम लोग से कोई मतलब नहीं है. तो अपने इंडियन को या इंडियन आर्मी को लगा के इसे करने मत दो. हर कोई समझने लग जाएगा, अभी समझ रहा भी है, समय माने डरना चाहिए गवर्नमेंट को. इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ में जितना भी अरुणाचल में कोई भी इंटेलेक्चुअल है, स्टूडेंट है, यहाँ में जो भी मोमिन जन के करो, अपना लोगों को यहाँ में गलती से कोई कुछ करेगा तब करो. अरुणाचल जो ठीक है एग्जम्पशन है, लेकिन ये तो हम लोग डिमांड नहीं है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया वाला है. इसलिए चकमा-हाजंग को हम लोग सबसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो के इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किया, आज क्लियर हो गया. वो लोग स्टैंड है, वो लोग जो है चकमा-हाजंग का
अभी जितना वहाँ पे जो मॉनिटरिंग करना है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन लगा लगाना शुरू करेगा, इसमें चकमा हजंग आप लोग सुनो, आप कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। वहाँ में हमको पता है 53,000 से या 55,000 से ज़्यादा नहीं ओरिजिनली, रेस ऑफ चकमा निकल जाओ, नहीं तो आप अरेस्ट करेगा, कुछ भी हो सकता है आपका गवर्नमेंट, क्योंकि हम नहीं करेगा। अभी गवर्नमेंट कानून का थ्रू से लोगों का सपोर्ट में आपको करने वाला है। त्रिपुरा चकमा, असम चकमा और कई का भी चकमा, मेघालय चकमा निकल जाना है, जो अभी लीगली 64-69 में आया वाला को गवर्नमेंट को सपोर्ट, गवर्नमेंट का मैंने जो है जो जब कार्रवाई आप सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम चाहता है कि और हम लोग मौका मिलेगा तो बीच में भी हम लोग एक बार चकमा लीडर से हम लोग बात करेगा पीसफुली, क्योंकि आप इसी वक्त आपका आपको राइट दे रहा है, तो आपका राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप लगो, अरुणाचल में कोई एरा फ्री काम नहीं करेगा, कोई या बदमाशी काम नहीं करेगा, कोई या जबरदस्ती नहीं करेगा, इसलिए हम लोग प्यार से बात करेगा और लो जो है सब इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना शुरू करना पड़ेगा। ये हम लोग का आज का दो पॉइंट ले गया था। और एक है ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग में भी देखिए बोलो या में बराबर आलो हो गया, अभी किसी का जाति में लिख के रखा, इसलिए हम लोग इसको कोई अगेंस्ट नहीं है, शुरू से इसको पॉलिसी लाना है, गवर्नमेंट रेडी हो जाए लाने के लिए, हम लोग जो है इंतज़ार हैं, इसलिए कोई भी अगर या में पॉलिसी में एडवाइस करना है तो आप लोगों का पास में सबमिट कर सकते हैं अपना जो ये जो आइडिया को, जो भी आपको आइडिया आता है शेयरिंग कर सकते हैं। वन क्वेश्चंस, एज पर स्टेटमेंट ऑफ बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर ए के अब्दुल मोमेन जी, ऑन संडे ही सेड हिज कंट्री हैज रिक्वेस्ट इंडिया टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ एनी बांग्लादेशी नेशनल लिविंग इलीगली इन इंडिया एंड इट विल बी अलाउ देम टू रिटर्न। So it's my question to the government of India, if they are ready to accept their peoples, what is the necessary? ऐसे क्या जबरदस्ती है वो इंडिया में ही रखना है, जब उसका ही कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि कुछ लोग अगर यहाँ इलीगली रहता है तो कृपया करके लीज़ प्रोवाइड कीजिए, वो लोग वापस लेगा, तो उसको लीज़ प्रोवाइड करने का जगह में हमारे लोग को यहाँ में जबरदस्ती करके इतना प्रोटेस्ट होने का बावजूद भी यहाँ रखने के लिए क्यों ट्राई कर रहे हैं। इट्स माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स माई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ऑल्सो, प्लीज प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ रेफ्यूजीज लाइक चकमा एंड हाजोंग जो यहाँ में रहा है, वो लिस्ट को कृपया करके फॉर जब खुद का कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जब मांग रहे थे, कृपया दे दीजिए, दे के यहाँ से अच्छा से विदाई कर दीजिए कि जाने दीजिए, यहाँ में रखने के बाद में जबरदस्ती रख के अपना वोट बैंक का पॉलिटिक्स के लिए यहाँ रख के कंट्री में रख के स्टेट में रख के यहाँ लोग को मरने मत दीजिए। इट्स माई अपील एंड आई स्ट्रॉन्गली अर्ज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ इसको स्ट्रॉन्गली आप आपका काउंटर पार्ट का साथ बात कीजिए, जब वो एग्री है रेडी है तो जितना भी कंट्री है नॉट ओनली बांग्लादेश, आप पाकिस्तान में भी बात कीजिए, अफगानिस्तान का बात कीजिए, आप जब वो लोग तैयार है तो आप अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जब वो लोग वापस लेने के लिए रेडी है तो यहाँ आप जबरदस्ती हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्यों यहाँ में रखना चाहते हैं। इट्स माय क्वेश्चंस।